दोस्तों, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली पे। शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला यह प्राचीन सनातनी त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। शास्त्रों का कहता है दीपावली को मनाने के लिए अलग अलग कारणों के बारे में बताया गया है। साधारणतः हम लोग दीपावली को मनाने का कारण राम के 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने व समुद्र मंथन द्वारा लक्ष्मी को प्रकट को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार दीपावली का यह त्यौहार युगों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के भी साक्षी है। आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी 10 प्रमुख ऐसी घटनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी अवतरण। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा धरती पर प्रकट हुई थी। दीपावली के त्यौहार को मनाने का सबसे खास कारण यह है कि इस पर्व को माँ लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और हर घर में सजाया और सवारा जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो। नंबर 2, भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना। इस घटना का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को से माँ लक्ष्मी को मुक्त कराया था। नंबर 3, भगवान राम की विजय। इस घटना के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को पता होगा। रामायण के अनुसार इस दिन जब भगवान राम सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे, उसके स्वागत में पूरी अयोध्या ने दीप जलाकर रोशनी किया था और श्री राम का भव्य स्वागत किया था। नंबर 4, नरकासुर वध। भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को इस दिन मुक्त कराया था। इसी खुशी में दीपावली का त्यौहार को 2 दिन मनाया जाता है और इस विजय पर्व के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पांडवों की वापसी। माँ भारत के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच होने वाले चौरस के खेल में पांडव हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। पांचों पांडव अपना 12 साल का वनवास समाप्त कर इस दिन वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशी के साथ दीपावली मनाई गई थी। नंबर 6, विक्रमादित्य का राजतिलक। राजा विक्रमादित्य के राजतिलक का प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राजतिलक इसी दिन किया गया था, जिससे दीपावली का महत्व और खुशियों से भर गया था। नंबर 7, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। इस कारण भी दीपावली का त्यौहार विशेष रूप से महत्व रखता है। नंबर 8, जैन धर्म। दीपावली का दिन और संप्रदाय के लोगों के लिए भी एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर जी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नंबर 9, सिख धर्म। सिख धर्म के लिए भी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें सभी श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसके अलावा सन 1577 में अमृतसर के हरि मंदिर साहिब का शिलान्यास भी दीपावली के दिन ही किया गया था। नंबर 10, सन 1619 में सिख गुरु हरिगोविंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में 52 राज्यों के साथ मुक्त किया जाना भी इस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक घटना रही है। इसीलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस राज्यों में वो हरिगोविंद सिंह जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने नज़रबंद किया हुआ था। तो दोस्तों, कैसी रही है जानकारी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।